हमने आप लोगों को इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के विषय में पढ़ाया था, ये कौन सा मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है। उसमें हमने बताया था ये ए बी इक्वल टू, एक बात पढ़ाया था ये ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू, अगर आई हो जाए तो बी जो है ए का इन्वर्स होगा और ए जो होगा बी का इन्वर्स होगा। अब आइए हम पढ़ते हैं यूनिकनेस ऑफ यूनिवर्स। अब देखो यूनिकनेस ऑफ यूनिवर्स के विषय में हम जानते हैं क्या है यूनिकनेस ऑफ यूनिवर्स। यूनिकनेस ऑफ यूनिवर्स यानी कि यूनिवर्स यूनिक होता है कि नहीं, यूनिवर्स यूनिक होता है कि नहीं। अब देखो तो हम क्या करते हैं, लेट ए का नाम कुछ भी होगा, ए इक्वल टू चूँकि ए आई जे ही लिखा जाएगा, बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि कल ही हमने आप लोगों को बता दिया था, इसके पिछले क्लासेज में पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स अगर होगा तभी उसका इनवर्स निकलेगा। तो बिना स्क्वायर मैट्रिक्स हुए इनवर्स हम निकाल नहीं सकते हैं, तो इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स का होना ज़रूरी है, समझ रहे हैं ना। बिना स्क्वायर मैट्रिक्स का हम इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। चलिए तो इनवर्स निकालने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब यूनिकनेस क्या, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स क्या किसी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वह अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब होता है कि एक और केवल एक ही होगा, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एक ही होगा। अब इस बात पर थोड़ी सी सवाल है, तो हमने क्या किया, लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, एम ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने ले लिया, ठीक है। इफ पॉसिबल लेट बी एंड सी बी टू इनवर्स बी एंड सी बी टू इनवर्स ऑफ ए। अब लो मेरी बात, मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर क्या किया इसको ध्यान दो, ये यूनिकनेस ऑफ इनवर्स हमें देखना है। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स कैसे देखेंगे, तो लेट ए बराबर ए आई जी बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एम, जिसका ऑर्डर क्या है एम है। अब इफ पॉसिबल लेट बी एंड सी बी टू इनवर्स ऑफ ए, बी और सी इसका दो इनवर्स है, बी और सी इसका दो इनवर्स है। मैंने क्या कहा, ये एम ए मैट्रिक्स का इनवर्स बी भी है और ए मैट्रिक्स का इनवर्स सी भी है, बी टू इनवर्स ऑफ ए, तो दो इनवर्स हो गया ए और बी, ए का दो इनवर्स हो गया, एक बी हो गया एक सी हो गया। अच्छा एक बात बताइए, इफ चूंकि चाहे सिंस कुछ भी लिख सकते हैं, सिंस B इज इनवर्स ऑफ A, अगर B A का इनवर्स हो तो कल मैंने क्या बताया था, जो ए बी होगा वही क्या होगा बी ए होगा, और ये किसके बराबर होगा I के बराबर होगा। ए सुनो मेरी बात, अगर B जो है A का इनवर्स है तो ए बी बराबर बी ए बराबर I। इफ C इज इनवर्स ऑफ ए, अगर सी ए का इनवर्स है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो ए सी होगा वही सी ए होगा और वही क्या होगा आई होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनते रहो, बड़ी काम की चीज़ है कि हमें सिंस बी इज द इनवर्स ऑफ ए, बी ए का इनवर्स है तो ए बी बराबर बी ए बराबर आई होगा, कल बता दिए हैं। अगर किसी चीज़ ए का इनवर्स बी है तो ए बी वही होगा, जो बी ए होगा वही आई होगा। अगर सी ए का इनवर्स है तो ए सी बराबर सी ए बराबर क्या होगा आई होगा। यहाँ भी तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दस हम क्या लिखते हैं, और ए दस हम लिख रहे हैं तो हम बी को कैसे लिख सकते हैं, बी बराबर क्या मैं बी आई लिख सकता हूँ, बोलो बी बराबर मैं बी आई लिख सकता हूँ,
बिल्कुल लिख सकता हूँ बी बराबर मेरा बी आई होगा, क्योंकि ए इक्वल टू ए आई हमने तुम लोगों को नियम पढ़ाया है कि किसी भी मैट्रिक्स में उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो फिर से पुनः वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। तो कहोगे जी सर ये बात तो आपने हमको पढ़ाया है, तो बी बराबर बी आई लिखें क्योंकि बी मैट्रिक्स में आई आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर बी का बी ही आ जाएगा। और एक बात समझो, बी और आई किसके बराबर है, ए सी और सी ए दोनों के बराबर है ना, तो बी और आई के बदला में हम ए सी डाल दें, आई के बदला में क्या डाल दें, ए सी डाल दें। अब इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करें तो बी में ए से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, बी ए इंटू सी, और ऊपर देखो बी ए किसके बराबर है, आई के बराबर है, तो इक्वल टू आई सी, और आई में हम सी मैट्रिक्स में आई से अगर मल्टीप्लाई करें तो बोलो क्या आ जाएगा, सी। यानी कि जो बी मैट्रिक्स है वही मैट्रिक्स सी है। मैंने क्या कहा, यूनिकनेस ऑफ, हम इन्वर्स ज्ञात करना चाहते हैं, यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स ज्ञात करना चाहते हैं, तो यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स के लिए हम हमारे पास जो बी मैट्रिक्स आ रहा है वो बी मैट्रिक्स ही सी मैट्रिक्स आ रहा है, जो बी मैट्रिक्स है वही मैट्रिक्स सी आ रहा है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, इसका मतलब हम आप लोगों को ये बता सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का यूनिकनेस हमें मालूम हो गया। तो यह एक थ्योरम है, यह थ्योरम थ्री के नाम से हम जानेंगे, तो इसको नोट कर लेंगे आप लोग, प्लीज भी नोटेड डाउन। अब एक और थ्योरम है, थ्योरम फोर। ये क्या है थ्योरम फोर, इफ़ ए एंड बी आर द इन्वर्टिबल मैट्रिसेज, ए और बी इन्वर्टिबल मैट्रिसेज है ऑफ टू सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम है, देन ए बी का इन्वर्स इक्वल टू होगा बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। कि इस थ्योरम को हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो इस थ्योरम का हम प्रूफ अगर करते हैं, थ्योरम को प्रूफ करते हैं, तो फ्रॉम द डेफिनेशन इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स वी हैव ए बी इंटू ए बी का जो इन्वर्स होगा वो आई के बराबर होगा। अब पूछो कैसे, कैसे, तो हम पहले ही तुम लोगों को लिखाए थे ये ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू आई, ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू आई, ए इंटू ए इन्वर्स का वैल्यू किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है, ये पहले बताए थे। तो उस नियम के अनुसार ए बी इंटू ए बी का इन्वर्स किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। एक बात समझो, जनरली अगर हमको इक्वेशन पढ़ाना हो और हमारे पास है 2x इक्वल टू 5, अब इधर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2 इंटू 2x, इधर 5 इंटू 2 कर दिए, मेरी बात समझो 2 इंटू 2x 5 इंटू 2, अच्छा हम ऐसे कर दिए 2x इंटू 2 अब 5 इंटू 2, मेरी बात समझो। तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, आंसर में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर 2x के पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 5 के बाद 2 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ 2x के बाद 2 से, 5 के बाद 2 से, किसी में पहले किसी में बाद में भी मल्टीप्लाई करें तो भी मान में अंतर नहीं पड़ेगा, मान उतना ही रहेगा। लेकिन मैट्रिक्स के साथ ऐसी बातें नहीं है, मैट्रिक्स में अगर आप ऐसा कर रहे हो तो वो गलत हो जाएगा, उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो अलजेब्रा की तरह मैट्रिक्स व्यवहार आपका नहीं करेगा। तो यहाँ एक शब्द उभर के आता है, प्री मल्टीप्लाइंग या पोस्ट मल्टीप्लाइंग, यानी कि पहले मल्टीप्लाई करो या बाद में मल्टीप्लाई करो, समझ रहे हो ना। तो जो दोनों तरफ अगर प्री मल्टीप्लाइंग करते हो तो इस तरफ भी पहले ही होगा और उस तरफ भी पहले ही होगा। तो हम यहाँ पर क्या करना है, तो हम लिख रहे हैं दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं ए बी इंटू ए बी इनवर्स। मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर समझ में आएगा तो हाँ कहना नहीं, और इसमें भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पर कोष्ठ में लिख देंगे प्री मल्टीप्लाइंग, प्री चाहे मल्टीप्लाइंग बाई बोथ साइड, प्री मल्टीप्लाइंग बाई बोथ साइड, यानी दोनों तरफ हम प्री मल्टीप्लाइंग कर रहे हैं,
दोनों तरफ हम प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्री मल्टीप्लाइंग बाई बोथ साइड। तो ए बी इंटू ए बी का इन्वर्स इक्वल टू आई, ए इन्वर्स ए बी और ए बी का इन्वर्स, तो ये क्या होगा, ए इन्वर्स से ए में मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताओ ए इन्वर्स से ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए इन्वर्स से ए समाप्त हो जाएगा, ए इन्वर्स ए इंटू कितना हो जाएगा आई, आई इंटू बी, और फिर क्या बचेगा, सॉरी यहाँ ए बी का इन्वर्स है, तो ए इन्वर्स ए में आई और बी, और यहाँ हो जाएगा ए बी का इन्वर्स। अब ए इन्वर्स से हम मल्टीप्लाई कौन सी में कर रहे हैं, आई में। तो आप लोगों को पता है ये ए इन्वर्स से आई में, अगर ए इन्वर्स से आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए इन्वर्स का ए इन्वर्स ही बचेगा, क्योंकि आई से जिस मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही बचेगा। चलिए तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और कुछ लोग कहेगा जी सर अगर हम आई से बी में, जब आई से ए इन्वर्स में मल्टीप्लाई हमने किया और ए इन्वर्स ही बचा, तो आई से बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बी ही बचेगा, बी ही बचेगा ना, और ए बी का जो हमारे पास इन्वर्स है और ए इन्वर्स। अब देखो फिर क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाइंग बाई अब बोथ साइड, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई बी इन्वर्स, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई ए इन्वर्स यहाँ लिखना चाहिए, ए इन्वर्स। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई बी इन्वर्स, अभी दोनों तरफ बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्री मल्टीप्लाइंग माने पहले गुना, तो पहले गुना करेंगे बी इन्वर्स से बी में, और ए बी का होल का इन्वर्स, और यहाँ भी बी इन्वर्स से ए इन्वर्स से। अब बताओ बी इन्वर्स से बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी इन्वर्स इंटू बी इक्वल टू आई, और ए बी के होल का इन्वर्स, और बी इन्वर्स ए इन्वर्स, और कुल मिला के आई से किसी चीज़ में करेंगे तो वो समाप्त हो जाएगा आई ना, तो क्या बचेगा, ए बी का इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। और यही थ्योरम आपको प्रमाणित करना था, ये ए बी का इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के बराबर होता है। तो ये इन्वर्टिबल जो थ्योरम था वो इन्वर्टिबल थ्योरम भी हमने पढ़ा दिया। अब आइए इसको पढ़ाने के बाद में इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाई एलिमेंट्री ऑपरेशन, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाई एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो हमको इसको जानना है। तो इसको हम कैसे जानते हैं, प्लीज बी नोटेड डाउन। अब आइए इन्वर्स, अब हमें क्या देखना है, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाई एलिमेंट्री, बाई एलिमेंट्री मेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाई एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालेंगे, तो देखिए अब हम मान लेते हैं कि दो मैट्रिक्स है, लेट ए एंड बी, ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिसेज है, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है। तो ए एंड बी आर द टू मैट्रिक्स, कहता है सेम ऑर्डर, टू मैट्रिसेज सेम ऑर्डर, जिसका ऑर्डर सेम हो, सच डैट और एक किस प्रकार का हो, तो देखिए एक्स इक्वल टू ए बी, एक्स इक्वल टू ए बी, इन ऑर्डर टू अप्लाई ए सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अब आपको देखना है कि आपको दो चीज ऑपरेशन लगाना है, कौन कौन, एक रो ऑपरेशन लगाना होगा, एक कॉलम ऑपरेशन लगाना होगा। मेरी बात समझो, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन दो प्रकार का ऑपरेशन हमने बताया है, एक बताया है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एक प्रकार बताया था एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। अब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, मेरी बात को ध्यान से समझो, अगर मैं रो ऑपरेशन लगाऊंगा तो क्रिया को इसमें और इसमें करूंगा, अगर हम x इक्वल टू ए बी होगा, अगर रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो x और a के साथ क्रिया करेंगे, ठीक है,
x और a के साथ क्रिया करेंगे। तो x और a के साथ किसके लिए क्रिया करेंगे? एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के लिए। अगर मुझे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाना है तो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन में मैं क्रिया किसके साथ करूंगा? x इक्वल टू ए बी है तो x और b के साथ क्रिया करेंगे। मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स प्राप्त करने के लिए और मैट्रिक्स का इनवर्स प्राप्त करने के लिए जो मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाऊंगा तो सबसे पहला चीज़ चाहिए जो भी मैं दो मैट्रिक्स लूँगा ए एंड बी या टू मैट्रिसेज, ए और बी जो भी दो मैट्रिक्स होगा वो सेम ऑर्डर का होना चाहिए, सच डेट एक्स इक्वल टू ए बी। वो इस प्रकार होना चाहिए कि एक्स का वैल्यू ए बी के बराबर हो। और जब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे तो एक्स और ए के साथ क्रिया करेंगे। फिर से मेरी बात समझो, ये बड़ा ज़रूरी है, एक्स और ए के साथ क्रिया करेंगे। और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो मेरी जो क्रिया होगी एक्स और बी के साथ होगी। ऑपरेशन लगाएंगे तो ऑपरेशन में कल मैंने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन बताया था, याद करो ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का क्या ट्रांसफॉर्मेशन था। तो मैंने क्या कहा था, जे आर आई इंटरचेंज टू आर जे, चाहे सी आई इंटरचेंज टू सी जे, एक ये बताया था, दूसरा बताया था आर आई को के आर आई लिख सकते हैं, चाहे सी आई को के सी आई लिख सकते हैं, ठीक ना, इसको अदिश से गुना कर सकते हैं, या आर आई चेंज टू आर आई प्लस माइनस के आर जे, उसी तरह सी जे सी आई को मैं चेंज कर सकता हूँ, सी आई चेंज टू सी आई प्लस माइनस के सी जे। और यही तीन तीन छः ऑपरेशन को कल मैंने बताया था, ये यही छः ऑपरेशन आप लगा सकते हैं। और पिछले वीडियो में मैंने इसी को डाला था, जो पिछले प्रीमियर क्लास में, कि ये जो ऑपरेशन है इसी के थ्रू आउट द हम क्वेश्चन बनाएंगे। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना होगा, हमें इन ये जितना नाटक करेंगे हम, ये सभी नाटक, ये सारा नाटक और खेल किसके लिए होगा? ये खेल हमको इनवर्स प्राप्त करने के लिए होगा। मेरा जितना नाटक और जितना खेल होगा वो सारा नाटक और खेल मुझे इनवर्स प्राप्त करने के लिए होगा। तो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा किसी मैट्रिक्स का इनवर्स प्राप्त करने के लिए हम एक खेल खेलेंगे। तो लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेज, यहाँ पर दो मैट्रिक्स है, एक ए है एक बी है, सेम ऑर्डर, सच डेट एक्स जो है ए बी के बराबर है। एक्स किसके बराबर है? ए बी के बराबर है। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन क्या है इसको हम बताने के लिए थोड़ी सी ये बात थी, लेकिन मेनली काम तो हम करेंगे किस में, क्वेश्चन में। तो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे एक्स बराबर ए बी है ना, तो हम इसको अगर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो इसको लिखेंगे ए बराबर आई ए। इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, जो x बराबर ए बी है यानी x बराबर आई ए आई ए लिखेंगे। अगर मुझे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाना है तो मैट्रिक्स A होगा और उसको हम ए आई द्वारा डिनोट करेंगे। मेरी बात को समझो, इसको हम इस रूप में डिनोट करेंगे, इसको इस रूप में डिनोट करेंगे। और इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करके हम इनवर्स को निकाल सकते हैं। एक और बात, अगर किसी क्वेश्चन में आपने रो ऑपरेशन लगाया तो थ्रू आउट प्रोसीजर द होल क्वेश्चन आपको रो ऑपरेशन ही लगाना होगा। अगर आपने कॉलम ऑपरेशन कर दिया तो थ्रू आउट होल द प्रोसीजर इन द क्वेश्चन आपको कॉलम ऑपरेशन ही लगाना होगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि आपको रो ऑपरेशन लगाना है कि आपको कॉलम ऑपरेशन लगाना है। अगर ये बड़ी प्रेम से समझिए बच्चों, मुझे लगता है कि अभी 20% भी समझ में आया जाए तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन में आपको 100% तक जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, और प्रैक्टिस की चीज़ है। तो ये रो ऑपरेशन एक कॉलम ऑपरेशन क्या है, मैट्रिक्स की थोड़ी सी डिफिकल्ट पार्ट यही दिखाई देती है जहाँ पर हमें ट्रांसफॉर्मेशन कर करके वो करना होता है। तो थोड़ी सी डिफिकल्ट पार्ट यही होती है, बाकी तो अभी तक जो मैट्रिक पढ़े हैं वो लावा गोली पढ़े हैं, ठीक है। तो प्लीज़ बी नोटेड डाउन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन।
अब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के लिए मैंने बताया जी ए बराबर हमें क्या लिखना है, दो प्रकार का बताया जी। एलिमेंट्री अगर रो ऑपरेशन लिखना है तो ए बराबर आई ए, और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन के लिए ए बराबर ए आई। अब हम के क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन से इसको करते हैं ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या है, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन क्या है। अब जैसे ए बराबर आपका 1 2 2 -1, अब ये क्वेश्चन कह दे और ये बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, क्वेश्चन समझो बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके आपको इसका इनवर्स प्राप्त करना है। अब लीजिए हो गया काम हमारा, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन का भी यूज कीजिए। अब जितना ऑपरेशन हमने कल से लेके आज तक आप लोगों को पढ़ाया है सारे ऑपरेशन का यूज कीजिए और इसका इनवर्स निकालिए। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग एलिमेंट्री, कौन ऑपरेशन यूज करना चाहते हैं तो हम लिख देते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अब ये नहीं लिखेंगे फाइंड द इनवर्स, ये नहीं लिखेंगे, लेकिन बाय यूजिंग जरूर लिखेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। यानी अब एक बात समझ लीजिए, मैंने जो कहा ये बात दिमाग में रखिए, अगर आपने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा लिया तो थ्रू आउट द प्रोसीजर होल द क्वेश्चन आपको लगाना होगा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अगर आपको एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन तो पूरे क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन के दौरान कॉलम ऑपरेशन ही लगाना होगा। तो चलिए हम इसको रो ऑपरेशन पर बनाते हैं जो रो क्या है। अब दूसरी चीज़, अगर रो ऑपरेशन लगाना होगा तो आपको क्या करना होगा, ए बराबर, इसलिए ए बराबर आपको क्या लिखना होगा, आई ए बराबर आई ए। क्यों? क्योंकि आपने रो ऑपरेशन लगाया, और कॉलम ऑपरेशन लगाना होता तो ए बराबर, अब हमने क्या कहा, ए बराबर आई ए। हमने एक चीज़ लिखा था एक्स बराबर ए बी, तो मेरी बात समझो एक्स इक्वल टू ए बी, तो x बराबर ए बी अगर लिखा था, रो ऑपरेशन लगाना था तो इसमें और इसमें क्रिया करना था, और कॉलम ऑपरेशन लगाना था तो इसमें और इसमें इसमें और इसमें क्रिया करना था। तो मुझे रो ऑपरेशन लगाना है तो क्रिया किसमें करेंगे, इसमें और इसमें, जो भी काम करेंगे इन दोनों में करेंगे। और कॉलम लगाना होगा तो इसमें और इसमें क्रिया करेंगे। कहाँ है भाई, तनी देखते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है इतनी। तो ए के जगह पर 1 2 2 -1 इक्वल टू आई ए, इक्वल टू आई ए। अब आई ये 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है तो क्लियर है भैया ये आई भी 2 बाई 2 का ही होगा ना, 1 0 0 1। और यहाँ ए के जगह पर हई मत लिख देना, ए के जगह पर ए ही छोड़ो, क्योंकि मुझे ए इनवर्स निकालना है। तो मैंने कहा कि जो भी करेंगे हये दोनों में करेंगे, हमें तो कोनो छेड़छाड़ ही नहीं करेंगे, नहीं ना छेड़ेंगे ना छोड़ेंगे, ठीक है, यहाँ क्रिया करेंगे। तो ए क्रिया कैसे होगा, अब बात हमारी समझिए। तो मुझे एलिमेंट्री हम कुछ को क्या करना है, रो ऑपरेशन। अब भैया एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या है, तो तीन गो ऑपरेशन बताए थे, R1 चेंज इंटरचेंज टू R2, R1 इंटरचेंज टू R2, R1 जो है R2 पर इंटरचेंज होगा, R1 चेंज टू K R1 ऐसा किया था, और R1 को इंटरचेंज किया था R1 प्लस माइनस K R2 और R3। चलिए कुल मिला के इंटरचेंज क्या करेंगे, तो इधर वाले पार्ट को मैं I बनाऊंगा, समझो इसको मुझे आई बनाना है, आई माने माँ नहीं, महाराष्ट्र में आई माने माँ कहा जाता है, आई यानी इसको आइडेंटिटी बनाएंगे। वैसे आइडेंटिटी बनाएंगे तो आइडेंटिटी में यहाँ क्या रहना चाहिए, 1 0 1 0, तो यहाँ ऑलरेडी 1 है। अब इसका क्रिया कैसे करेंगे ये भी बता देते हैं, पहले इसमें फिर इसमें फिर इसमें फिर इसमें, ऐसे करेंगे तब हमारा काम होगा। अगर आप चाहो तो ऐसे करके और नीचे से ऊपर भी जा सकते हो, ऐसे करके नीचे से ऊपर भी जाते हो ज़्यादा बेटर होगा, इसमें 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 और तब इसमें आए। चलिए चलते हैं देखते हैं क्या होता है, देखो आगे क्या होता है। तो यहाँ ये 2 है और ये 1 2 है, हम क्या कर सकते हैं,
इसको कितना बनाना है, जीरो। इसको क्या बनाना है, जीरो। तो मैं ये कौन सा लाइन है, आर टू। तो आर टू चेंज, आर टू चेंज, आर टू माइनस टू आर वन। क्या ये ऑपरेशन हो सकता है कि नहीं? मैंने कहा था आर आई को तीन ऑपरेशन है, तीन था, एक आर आई इंटरचेंज टू आर जे, एक आर आई चेंज टू के आर आई, और आर आई चेंज टू आर आई प्लस माइनस के आर जे। देखो तो मुझे इस दो को जीरो बनाना है, तो दो को जीरो बनाना है तो दो माइनस दू गुना एक, तो दू में से दू घटेगा, कितना हो जाएगा, जीरो। हम उतना ही लिखेंगे जितना से ही जीरो आएगा। अब है जो क्रिया है, इस पार भी होगी, इस पार भी होगी, मेरी बात समझो, तो किधर किधर होगी। वन टू में तो कोई छेड़छाड़ नहीं, क्योंकि जो भी ऑपरेशन आप आर टू में ना लगा रहे हो, तो आर टू क्या हो जाएगा, तो टू टू आ माइनस टू इंटू वन, तो दू हमें से दू गया कितना, जीरो। आई कितना है, माइनस वन। देखो माइनस वन माने आर टू माइनस टू इंटू आर वन, आर वन का जगह पर कितना है, टू, यानी माइनस वन आ माइनस दू दूना माइनस चार, यानी माइनस पाँच, यहाँ लिखाएगा माइनस पाँच। अब रहिए बउआ, जो काम आपने किया वो इस पार नहीं, इस पार भी की करना होगा। क्या करना होगा, तो वो इसमें तो कोनो छेड़छाड़ ही नहीं है, जो छेड़छाड़ है इसमें है। तो आपको क्या करना है, ए जीरो है तो आर टू को चेंज करना है, आर टू माइनस टू आर वन, आर टू माने जीरो माइनस टू इंटू आर वन के जगह पर एक। अब जीरो में से माइनस दू घटेगा तब माइनस दू, आ फिर वही काम वहाँ यहाँ करना होगा, वन आ माइनस टू इंटू जीरो, तो दू में जीरो से जीरो, एक में से जीरो घटेगा, एक का एक एक इंटू ए इंटू ए। अब हमारी बात को समझो, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, मिटाते हैं, और आइए, हाँ अब आइए हम क्या कर रहे हैं। अब हमको एक जीरो, अब इस दू को कितना बना देना है, जीरो बना देना है। अब दू को जीरो कैसे बना सकते हैं, कौन ऐसा काम होगा जो दू जीरो बन जाएगा, ठीक है, हमारा दू जीरो बनाने के लिए ऐसा कोई ना कोई काम करेंगे ना, जिससे हमारा क्या बन जाएगा, हम दो को जीरो बना देंगे। मेरी बात को समझो, मेरी बात को समझो, तो दो को जीरो बनाने के लिए अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले दो को जीरो, और ये माइनस पाँच है, हम यहाँ इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं, तो दो को डायरेक्ट जीरो बनाना हमारे लिए थोड़ा सा कठिन बात है। तो आर टू को चेंज करते हैं, इसको वन बना दें, तो इसके लिए हम लिखते हैं आर टू चेंज वन बाई फाइव आर टू। लो बात हमारी समझो, आर टू, आर टू माने ए लाइन, इस लाइन, और इस लाइन को मैं चेंज कर रहा हूँ वन बाई फाइव आर टू। अब इससे क्या होगा, आप इन दोनों को पहले चेंज करो, लेकिन बात समझो, पहले इसको आपको वन बनाना होगा, फिर इसको जीरो बनाना होगा, लेकिन इसको डायरेक्ट वन, कोनो बुद्धि लगाएंगे तो वन नहीं बनेगा। तो हम एक काम कर रहे हैं, इसको वन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वन टू इसमें कोई बदलाव नहीं है। आर टू को क्या करना है, एक बटा पाँच आर टू, तो एक बटा पाँच गुने जीरो, एक बटा पाँच गुने आर टू माइनस वन, इस पार वन जीरो, अब माइनस टू में एक बटा पाँच से गुना करेंगे, और ये क्या है, ये कौन सा अंक था, ये शायद वन था, तो वन से वन बाई फाइव में करेंगे, तो वन बाई फाइव, और यहाँ पर क्या है, ए,
अब देखो 10-12, मुझे इसको आई बनाना है। आई बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो ये क्लियर है कि आई बनाने के लिए मुझे इसको इसको क्या करना होगा, मुझे इसको वन करना होगा, इसको क्या करना होगा, जीरो करना होगा। चलिए करते हैं, तो इसको वन और इसको जीरो कैसे करते हैं, तो अब ध्यान दो, ए टू है, ए वन है, ये जीरो क्या कैसे होगा, जीरो कैसे होगा, आर वन चेंज, आर वन, आर वन माइनस टू आर टू, आर वन माइनस टू आर टू। देख लो आर वन को हम चेंज कर रहे हैं आर वन माइनस टू आर टू, एक सेकेंड रुक जाओ, अगर हम वन बाई फाइव से मल्टीप्लाई नहीं करके माइनस वन बाई फाइव से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस में हो जाएगा हम, और ए वाला कौन चीज़ हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में हो जाएगा ना, हम माइनस वन बाई फाइव से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे हमको फ़ायदा क्या होगा, जे आर वन आसानी से ये जीरो हो जाएगा। अब कैसे आर वन को कैसे चेंज करना है, तो आर वन माइनस टू आर टू, तो देखो आर वन, आर वन ए लाइन है, अब आर वन का मान क्या है वन, ये बात समझो, आर वन का मान क्या है वन, अब वन में चेंजिंग नहीं लाना है, तो हम वन और माइनस टू आर टू, टू इंटू जीरो, तो वन का वन ही रहेगा और टू, टू आ माइनस टू इंटू आर टू का मान वन, तो टू में से टू घट जाएगा, ये कितना हो जाएगा जीरो, और ये क्या हो जाएगा जीरो, और ये क्या हो जाएगा वन, तो वन जीरो जीरो वन आ गया। और जो काम आपने इधर किया है वही काम इधर करेंगे, तो यानी आर वन माइनस टू आर टू, तो आर वन का मान का है एक आ माइनस टू इंटू आर टू का जगह पर टू बाई फाइव, यानी वन आ माइनस, देखो आर वन का जगह पर वन आ माइनस टू इंटू टू बाई फाइव, टू बाई फाइव तो दो दूना चार बटा पाँच, तो पाँच कहीं पाँच में से चार गया एक बटा पाँच, उसी तरह आर वन का मान जीरो माइनस टू इंटू आर टू का जगह पर माइनस एक बटा पाँच, तो माइनस माइनस प्लस दो बटा पाँच जीरो में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दो बटा पाँच, और ये देखो इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं है, दो बटा पाँच माइनस एक बटा पाँच और इक्वल टू कितना हुआ ए, इक्वल टू ए हो गया ना। अब ए क्या हो गया, ए क्वेश्चन जो है आई में बदल गया, और ए को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, ए इधर आ जाएगा, ए इन्वर्स हो जाएगा, ए इधर आ जाएगा, ए इन्वर्स इंटू आई बराबर वन बाई फाइव, टू बाई फाइव, टू बाई फाइव माइनस वन बाई फाइव, ए इन्वर्स से आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो क्या होगा, ए इन्वर्स ही लिखेंगे, तो ए इन्वर्स का वैल्यू क्या हुआ वन बाई फाइव, टू बाई फाइव, टू बाई फाइव माइनस वन बाई फाइव। देखो बच्चों हमने क्या कहा जो वन ऑफ द टफेस्ट इन मैट्रिक्स है, यही एक टॉप है, थोड़ी सी आप एक दो क्वेश्चन हम और कराएंगे, ए टू बाई टू में है, टू बाई टू थोड़ा सा इजी है, इससे भी थोड़ा सा हार्ड आ जाएगा थ्री बाई थ्री में, इससे थोड़ा हार्ड आएगा थ्री बाई थ्री में, तो थ्री बाई थ्री में थोड़ी सी इससे दिक्कत होगी, लेकिन आप एक दो क्वेश्चन और समझोगे तो एक दो क्वेश्चन करने के बाद में, अब जो आपका ए इन्वर्स आया, अब इस ए इन्वर्स से इस ए में मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर आई आ जाता है तो तुम्हारा बनाया हुआ इन्वर्स सही है। इसमें इसमें गुना करने का नियम हमने सिखाया है कि नहीं, बिल्कुल सिखाया है, मैट्रिक्स में कैसे गुना होगा, तो इसमें इसमें गुना कर दो, और गुना करने पर 1001 आ जाता है तो आपका बनाया हुआ हिसाब सही है, यानी कि ए इन्वर्स आपका सही है, तो ये आपका ए इन्वर्स आया, तो बाई यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ए आया। उसी तरह से हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा करके भी, उसी तरह हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, तो उसके लिए मुझे लिखना होता ए बराबर ए आई।
और इसमें क्रिया करते, जैसे हम इसमें क्रिया देखो यहाँ से इसमें और इसमें क्रिया करना शुरू किए हैं ना, इसके इधर और इसके इधर वाला में, अब इसके इधर और इसके इधर वाला में क्रिया शुरू कर देते कब, जब मैं कॉलम ऑपरेशन करता यानी C1 C2 में चेंज करता। तो प्लीज़ बी नोटेड डाउन।